नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने जो अगला वीडियो में मैंने दिखाया था क्या क्या नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, उसके थ्रू मैं आप लोग कैसे स्किनिंग कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाता हूँ। सोच लीजिए आप लोग 5, 8, 13 का क्रॉस ओवर। हाँ, मैंने पहले एक ट्रेंड आप लोगों को पहले दिखाता हूँ कैसे ट्रेंड देखना है, और स्किनिंग करने से वो ऑटोमेटिकली आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मतलब ऑटोमेटिकली क्रॉस ओवर, स्टोकास्टिक, आरएसआई, बोलिंजर बैंड, सब कुछ ऑटोमेटिकली कैसे मिल जाता है वो आपको दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, मैंने इधर प्रोबेबिलिटी 1 में बाई साइड का करता हूँ, वर्ड 2 को कर लेता हूँ, वर्ड 3 को कर लेता हूँ, वर्ड 4 आई एंड 6 आ गया। देखिए, इतना आप लोग को एंड जरूरत नहीं होगा तो आप लोग प्रोबेबिलिटी 1, 2 को कर सकता है, लेकिन 2, 3 में कर सकने से ही सफिशियंट है। अभी देखिए, इन्हें का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, तो देखिए मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया, ठीक है। ये तो आप लोग इंडिकेटर आप लोग कुछ चार्ट में भी देख सकते हैं, इसका वैल्यू सही होता है क्या नहीं होता है। बोलिंजर बैंड देखिए, मिडिल बैंड का सब आप में है, और अपर बैंड का नीचे है, अपर बैंड का है ऊपर एक ही दिखाता है। और एमएससीडी देखिए, एमएससीडी ग्रेटर देन 0 आ गया है, एमएससीडी सब इधर सिग्नल सब पॉजिटिव दिखा रहा है। आरएसआई देखिए 50-20 का, ये देखिए वैल्यू, आरएसआई का वैल्यू। स्टोकास्टिक का देखिए, स्टोकास्टिक थोड़ा सा ओवरबॉट दिखा रहा है, लेकिन आप लोग को पता है ये ओवरबॉट सिचुएशन में बहुत दूर जा सकता है। आरएसआई और आरएसआई का स्ट्रेंथ दिखना है, स्टोकास्टिक इधर थोड़ा सा ओवरबॉट दिखा रहा है। एटीआर का वैल्यू ये देखिए, एटीआर का वैल्यू स्ट्रेंथ, और इधर आप लोग सुपर ट्रेंड का वैल्यू देख लिख सकता है। और एलटीपी का पोजिशन देखिए, एलटीपी पोजिशन मतलब ये पिवट पॉइंट भी है एंड मूविंग एवरेज भी है। ये देखिए, ये सिंपल मूविंग एवरेज है, एल टी एम ए 5, MA 15, MA 30, ये आप लोग करता है। इधर स्टोकास्टिक बस ओवरबोर्ड दिखाता है, तो ये स्टोकास्टिक ओवरबोर्ड सिचुएशन में और भी ऊपर जा सकता है, ये आप लोगों को पता है। ये आप लोगों का हिसाब से देखिए, लेकिन आरएसआई रेंज के अंदर है, ये ऊपर जा सकता है। और पिवट पॉइंट का तो पोजीशन है ही आप लोगों का, पिवट पॉइंट भी आप लोग देख ले सकता है इसके साथ। ये R1 इंटरडे में ये R1 का दिखा रहा है, ये एंड ऑफ द डे है, मतलब वन डे का हिसाब से बनाया गया है। लाइव मार्केट में चेंज होगा, जो लोग पेड सर्विस होगा लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट होता है। ये R1 R2 का बीच में है, R2 R3 का बीच में है। आप लोग जो चाहता है आप लोग R1 R2 में जो है वो कल लोकल ले सकते हैं, लेकिन नहीं तो जो पिवट पॉइंट R1 के बीच में है वो कल ले सकता है। बहुत तरीके से आप लोग कर सकता है। इधर इधर पॉजिटिव चेंज इन प्राइस, पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, ये भी रखा हूँ, डिलीवरी परसेंटेज, ये सब रखा है। तो इसी तरीके से आप लोग इसको फायदा उठा सकता है और स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट में रह सकता है। धन्यवाद।